Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the next lecture of chapter number 14, Overcoat. Previously, इससे पहले दो lecture हो चुके हैं. This is the third lecture. The owner of the shop, दुकान का मालिक, wearing a long robe, एक लंबा सा चुग्गा, and silk turban और रेशमी पगड़ी पहने हुए. अब वेयरिंग वाली जो फ्रेज है ये शॉप ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? ओनर के मीनिंग में इजाफा कर रही है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका तर्जमा हम उस नाउन से पहले करते हैं जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा होता. तो एक लंबा चुग्गा और रेशमी पगड़ी पहने हुए, एक लंबा चुग्गा और रेशमी पगड़ी पहने हुए दुकान के मालिक ने उसे गरम जोशी के साथ इस्तकबाल किया या सलाम कहा. ग्रीट का मतलब कॉम्प्लीमेंट करना होता है, सलाम कहना होता है. एक लंबा चुग्गा और रेशमी पगड़ी पहने हुए दुकान के मालिक ने उसे गरम जोशी के साथ सलाम कहा. इट आई जस्ट वॉन्टेड, मैं महज चाहता था, टू सी दिस कार्पेट, इस कालीन को देखना. The young man said, नौजवान ने कहा टू द कॉपर डीलर, कालीन के ताजर से. तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा किया. रिपोर्टिंग क्लास कौन सी थी? नौजवान ने कालीन के ताजर से कहा. नौजवान ने कालीन के ताजर से कहा. पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? वो आया है मैं महज इस कालीन को. अब लास्ट पे वापस आना है. मैं महज इस कालीन को देखना चाहता था. मैं महज इस कालीन को देखना चाहता था. विद प्लेयर सर, जनाब बखुशी से या बखुशी, बखुशी से कह लें या खुशी से, जनाब खुशी के साथ या बखुशी. देखें, ओ डोंट बादर, ओ जहमत मत कीजिए. बॉदर से मराद जहमत करना होता है. टेक इट डाउन, इसे नीचे उतारने की, ओ इसे नीचे उतारने की जहमत मत कीजिए. टेक डाउन के दो मतलब होते हैं. किसी बोलते हुए बंदे की आवाज को लिखने को भी हम टेक डाउन कहते हैं, और उसके अलावा हम क्या होगा, किसी चीज को नीचे उतारने को भी टेक डाउन कहते हैं. और इसे नीचे उतारने की जहमत मत कीजिए. आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ. क्वाइट वेल, बिल्कुल अच्छी तरह से. एज इट इज, जैसे ये है. पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया. मैं जैसे ये है, मैं जैसे ये है, जैसे ये है, इसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ. मैं जैसे ये है, इसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ. How much it is? इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत कितनी है? How much it is? उसकी कीमत कितनी है? 1432 रुपीस है. जनाब 1432 रुपए होंगे. जनाब 1432 रुपए होंगे. The young man frowned. नौजवान आदमी ने त्योरी चढ़ाई, माथे पे बल डाले. फ्राउन का मतलब होता है एंगर्ड, स्काउल्ड, यानी माथे पे बल डालना. नौजवान ने माथे पे बल डाले या त्योरी चढ़ाई. नौजवान ने माथे पे बल डाले या त्योरी चढ़ाई. एज इफ टू सजेस्ट, गोया कि ये कह रहा. नौजवान ने क्या होगा, बमे उचकाई. नौजवान ने बमे उचकाई या गोया के ये कह रहा. गोया के वो कह रहा हो. एज इफ के बाद हम इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल करते हैं. नौजवान ने बमें उचकाई गोया के वो कह रहा हो. ओ इस कदर ज्यादा, इस कदर ज्यादा, सो मच, वो इस कदर ज्यादा. यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब आपको महज इंतखाब करना है. यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, सेड कॉपर डीलर एमीएबली, कालीन के ताजर ने शाइस्तगी से कहा. अब पहले रिपोर्टिंग क्लास आ गई. अब रिपोर्टिंग क्लास क्या है? कालीन के ताजर ने शाइस्तगी से कहा या मोहब्बत भरे अंदाज से कहा. कालीन के ताजर ने
मोहब्बत भरे या शाइस्तगी से कहा, जनाब यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, आपको महज मुंतखब करना है, have to, ये करना है, आपको महज मुंतखब करना है, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस, और हम कीमत को कम कर देंगे, टू द मिनिमम, कम अज कम सतह तक, और हम कीमत को कम अज कम हद तक या कम अज कम हद तक घटा देंगे या कम कर देंगे, और हम कीमत को कम अज कम हद तक या कम अज कम सतह तक ले आएंगे. थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली. अप्रूविंग का मतलब होता है सताइशी अंदाज से, किसी को एप्रिसिएशन देते हैं तो उसको अप्रूविंग कहते हैं. नौजवान ने सताइशी अंदाज से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अ फाइन कार्पेट इंडीड, ये दर हकीकत एक अच्छा या उम्दा कालीन है, फाइन कार्पेट इंडीड. आई'ल कम अगेन, मैं आऊंगा दोबारा, सम टाइम किसी वक्त, ये दर हकीकत एक उम्दा कालीन है, मैं फिर आगे लास्ट पे चले जाना है, मैं दोबारा किसी वक्त हाजिर होऊंगा. एंड ही वॉक्ड अवे, और वो क्या होगा, चला गया, और वो चला गया. द क्रीम कलर रोज, क्या होगा, मोती रंगत का गुलाब, विच अडॉन, क्या होगा, मोती रंगत का गुलाब, विच अडॉन, जो के सजा हुआ था. अडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना. द लेपल्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसके ओवरकोट के क्या होगा, कॉलर पर, ऑफ हिज ओवरकोट, क्या होगा, मोती रंगत का गुलाब. अब यहाँ पे विच वाली पूरी की पूरी क्लॉज, ये किसके मीनिंग में इजाफा करिए, रोज के मीनिंग में इजाफा करिए, पूरी की पूरी विच वाली क्लॉज रोज के मीनिंग में इजाफा करिए, तो इसका जो के साथ तर्जमा करेंगे, मोती रंगत का गुलाब जो के उसके ओवर कोट के कॉलर पर सजा हुआ था, हैड स्लिप्ड, ये मेन वर्ब है, यानी रोज खिसक गया था, और रोज को डिफाइन कर रही है ये पूरी की पूरी क्लॉज जो यहां से विच से शुरू हो रही है और ओवरकोट तक जा रही है. मोती रंगत का गुलाब जो कि उसके ओवरकोट के कॉलर पे सजा हुआ था, खिसक गया था, एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और वो गिरने वाला था, बिल्कुल करीब चला जाए तो उसको अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं. मोती रंगत का गुलाब जो कि उसके ओवरकोट के कॉलर पे सजा हुआ था, वो खिसक गया और गिरने ही वाला था. He adjusted it, उसने इसे दुरुस्त किया, with a peculiar smile, एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ. Peculiar का मतलब specific होता है, particular होता है. Smile का मतलब मुस्कुराहट, आप satisfaction, इत्मीनान की. तो उसने इत्मीनान की एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ इसे दुरुस्त किया. अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एडजस्टर, पहले सब्जेक्ट आ गया उसने, अब उसके बाद लास्ट से वापस आना है. इत्मीनान की एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ इसे दुरुस्त किया, और लास्ट पे हम तर्जमा किसका करते हैं, वो वर्ब का तर्जमा करते हैं. अब जरा देखिएगा जी, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे. पहला तो देखिएगा कि जब हमने पार्टिसिपल लगाना है तो उसमें ये देखना चाहिए कि आया कि वो नाउन उसके मीनिंग में इजाफा तो नहीं कर रहा. मसलन देखिएगा, He is a man of my town, wearing a petticoat. अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं
तो वेयरिंग हिज टाउन जो यहाँ पे है, वेयरिंग हिज टाउन वो यहाँ पे है, वो टाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्योंकि ये वेयरिंग यहाँ पे टाउन के साथ लग रहा है तो इसलिए उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अगर हम कॉमा लगा देंगे तो ये शो करेगा, अब दोनों सेंटेंस में फर्क देखिएगा, अगर इस तरह से सेंटेंस हो, ही इज अ मैन ऑफ माय टाउन वेयरिंग अ पेंट कोट। अब यहाँ पे जब हमने इसको ऐसे लिखा तो पहली सूरत में इसका मतलब है कि वेयरिंग टाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और इसका मतलब है कि मैन के मीनिंग में इजाफा कर, तो इसीलिए यहाँ पे उसने कॉमा का इस्तेमाल किया टेक्स्ट में। वेयरिंग क्यों लगाया, क्योंकि वेयरिंग शॉप नहीं कर रही बल्कि ओनर कर रहा है और उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ये सेंस बनता है कि जब वेयरिंग उसमें इजाफा कर रहा है तो इसका तर्जमा भी मैन के साथ होना चाहिए, ना कि टाउन के साथ होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे वार्मली है, वार्मली एडवर्ब है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, और जब आपने किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना हो तो एडवर्ब लिखेंगे, जैसे ही मेट मी हार्श होगा या हार्शली होगा, ये हार्शली होगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब जो हार्शली है जो मेट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। दूसरा, एज इफ के बाद, एज इफ के बाद हम क्या यूज करते हैं, एज इफ के बाद हम इन्फिनिटिव भी इस्तेमाल करते हैं। ही सीम्ड एज इफ टू क्या होगा डाय सून, वो ऐसे दिखाई देता था जैसे वो जल्द ही मर जाएगा, तो ही सीम्ड एज इफ टू, एज इफ के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्राउन एज इफ टू सजेस्ट में यूज किया हुआ है। और तीसरी बात कि सम टाइम और सम टाइम्स में फर्क होता है, जो सम टाइम इकट्ठा हो ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब, इसका मतलब होता है बास दफा, बाज उकात, बाज दफा, और एक होता है सम टाइम, ये अलग अलग लिखा जाता है, ये किसी वक्त इससे मुराद होगा, जैसे ही सम टाइम अगर आ जाए विजिट्स अस, तो यहाँ पे ये विज सम टाइम नहीं होगा बल्कि सम टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और क्या होगा, ही विल कम, अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ पे सम टाइम्स नहीं लिखेंगे बल्कि सम टाइम लिखेंगे, ये वक्त को, किसी वक्त को इंडिकेट कर, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं सम टाइम और सम टाइम्स। अब बच्चों नाउ यू कैन रिस्पोंड, यहाँ पे बताइएगा कौन सी गलती है इन सेंटेंस। योर टर्न, पीपल के बाद कम आएगा। Met the person searching him in the every corner of the life. कहाँ पे कॉमा लगाना है? Person के बाद। Person के बाद कॉमा लगाना। शाबाश। उसके बाद next वाला? Word के बाद कॉमा लगाना है, क्योंकि doing किसके meaning में इजाफा कर रहा है? Few people के meaning। Few people को। जी। उसके बाद? Car के बाद। Crazily। Crazily होगा क्योंकि यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ड्रोव के। ड्रोव वर्ब है तो ये एडवर्ब होना चाहिए, तो crazily हो जाएगा। आगे anxiously। Anxiously क्यों, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? अप्लाई के, तो ये anxiously हो जाएगा। शाबाश। walk over होता है किसी को, आपने वॉक किया और ओवर किया, यानी ओवर का मतलब होता है किसी पे जाके प्रेशर वो डाल देना, जैसे हम कहते हैं क्या यार तुम मुझ पे चढ़े जा रहे हो, मतलब वॉक ओवर का मतलब क्या होगा, किसी को बुरे तरीके से सलूक करना होता है। और एक कभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, टुक डाउन होगा, टुक डाउन का मतलब राइट डाउन होता है किसी चीज का लिखना। किसी सेंटेंस की बच्चों समझ नहीं है इस पैराग्राफ में से तो आप पूछ सकते हैं। सर ये द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने स्थाईसी अंदाज से कहा,
अप्रूवली का मतलब होता है किसी को आप किसी की बात से इत्तफाक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सताइशी अंदाज से। नौजवान ने सताइशी अंदाज से कहा जी। सर, विद प्लेजर सर, और डू नॉट ये वाला कर दें। जी विद प्लेजर। नौजवान ने कालीन के ताजर से कहा, मैं महज इसे इस कालीन को देखना चाहता था, तो जनाब बखुशी से जनाब और इसे नीचे उतारने की जहमत मत की। क्लियर हो गया उसने एक इत्मीनान की एक सेटिस्फेक्शन ऑफ सेटिस्फेक्शन इत्मीनान की एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसे दुरुस्त किया। क्या होगा, एक लंबा सा चोगा और रेशमी पगड़ी पहने हुए दुकान के मालिक ने उसे गर्मजोशी से सलाम कहा या पुरजोश तरीके से सलाम कहा। Move to the next paragraph. He was now walking along the pavement. पहले subject का तर्जमा किया, अब यहाँ पे near the high courts, आला अदालतों के पास, अदालते आलिया के पास। अब ये हमारी last phrase है, near the high courts। तो ये phrase wise आप तर्जमा करके वापस आएंगे। आला अदालतों के पास, along the pavements, फुटपाथ के साथ साथ, वो अब आला अदालतों के पास फुटपाथ के साथ साथ पैदल चल रहा था। was walking, लास्ट पे तर्जमा हमने किसका किया, was walking। अब वो आला अदालतों के पास फुटपाथ के साथ साथ पैदल चल रहा था। He had been roaming, वो घूमता फिरता रहा था। Had been roaming about for a quite long time, काफी देर से। वो क्या होगा, फर्क अब लास्ट पे चले जाए, फॉर अ लॉन्ग क्वाइट लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफी देर से इधर उधर घूम रहा था। वो काफी देर से इधर उधर घूम रहा था। रोमिंग अबाउट का मतलब इधर उधर घूमना, मटर गश्त करना। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसके जज्बे, पहले सब्जेक्ट था कि उसके जज्बे अभी भी जवान थे, ही वॉज नाइदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना वो थका हुआ था और ना उकताया हुआ था। बोर्ड का मतलब टायर्ड से कफ हो जाना, टायर्ड से मराद एग्जॉस्ट हो जाना। वो ना थका हुआ था और ना ही उकताया हुआ था। अब वो आला अदालतों के करीब फुटपाथ के साथ साथ पैदल चल रहा था। वो काफी देर से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसके जज्बे अब भी जवान थे। अब यहाँ पे बट हम इस्तेमाल क्यों किया, यहाँ पे दोनों क्लॉजेस के दरमियान कंट्रास्ट का रिलेशनशिप है। यानी एक बंदा घूम रहा हो तो उसका जज्बा जाहिर है कम हो जाता है, लेकिन ओपोजिट सिचुएशन है कि उसके जज्बे अब भी जवान थे, तो वहां पे बट का इस्तेमाल किया। वो ना थका हुआ था ना उकताया हुआ था। एट दिस पॉट ऑफ मॉल रोड के हिस्से पे, द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों का हजूम, Had thin down, कम पड़ गया था। अब ये शुरू में फ्रेज आ गई, माल लोड के इस हिस्से पर पैदल चलने वालों का या राहगीरों का हजूम कम पड़ गया था। Thin down का मतलब रिड्यूस हो जाना, कम पड़ जाना। And they were quite long stretches, और काफी लंबे लंबे फासले थे, Of empty pavement, खाली जमीन, खाली फुटपाथ के, और खाली फुटपाथ के काफी लंबे लंबे वक्फे थे।
बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक ग्रुप से या एक टोली से दूसरे के दरमियान। अब चूंकि अब देर का तर्जमा हम नहीं करते, अब देर का तर्जमा नहीं करते तो लास्ट पे चले जाना है, और एक टोली से या एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह के दरमियान, एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह के दरमियान ऑफ एम्प्टी पेमेंट, खाली फुटपाथ के, खाली फुटपाथ के क्या थे, क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंसेस, काफी लंबे लंबे वक्त थे। स्ट्रेचेस से मुराद गैप्स भी कहते हैं, डिस्टेंसेस को भी कहते हैं। और एक ग्रोह से दूसरे ग्रोह के दरमियान या एक टोली से दूसरी टोली के दरमियान खाली फुटपाथ के लंबे, काफी लंबे वक्फे थे। क्वाइट यहाँ पे वो बता रहा है काफी ज्यादा का मीनिंग दे रहा। द यंग मैन एज ही वेंट अलोंग, नौजवान जब सड़क के साथ साथ चलता गया, ट्राई टू स्पिन, उसने घुमाने की कोशिश की, स्पिन का मतलब रोटेट करना, his cane, अपनी बैद की छड़ी को, round one finger, अपनी एक उंगली के गिर्द। जब नौजवान सड़क के साथ साथ चला तो उसने, अब क्या होगा, अब लास्ट पे चले जाए, round one finger, एक उंगली के गिर्द, to spin his cane, अपनी बैद की छड़ी को, क्या होगा, घुमाने की कोशिश की, अपनी बैद की छड़ी को घुमाने की कोशिश की। नौजवान जो ही सड़क के साथ साथ चला, उसने अपनी एक उंगली के गिर्द, अपनी एक उंगली के गिर्द बैद की छड़ी को घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटेम्प्ट, लेकिन इस कोशिश में, ही ड्रॉप्ड इट, उसने इसे नीचे गिरा दिया। अब शुरू में आ गया इन दिस अटेम्प्ट, लेकिन इस कोशिश में उसने उसे नीचे गिरा दिया। ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोल पड़ा। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है अटर्ड, स्पोक, अचानक से मुंह से निकल आए, ब्लर्टेड आउट। वो बोल पड़ा, ओह अफसोस, एंड बेंडिंग डाउन, और झुकते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फोर्थ फॉर्म है, और झुकते हुए, पिक्ड इट अप, उसे उठाया, और झुककर या झुकते हुए उसे उठाया। वो अचानक बोल पड़ा, ओह अफसोस, और झुकते हुए उसे उठा लिया। पिक अप का मतलब होता है नीचे पड़ी हुई चीज को उठाना होता है, और पिक आउट का मतलब होता है समझना होता है, पिक आउट। जैसे उसने, ही डिडंट पिक आउट माय पॉइंट, पिक आउट माय पॉइंट, उसने मेरी नुक्ते को, मेरे नजरिए को नहीं समझा। मीनवाइल अ यंग कपल, इसी दौरान, अ यंग कपल, एक नौजवान जोड़ा, इसी दौरान, ये एडवर्ब है, आम यंग कपल, एक नौजवान जोड़ा, who had been walking behind, जो उसके पीछे से चलता आ रहा था, had been walking, अब यहाँ पे perfect tense है, क्योंकि इसके साथ time नहीं है, इसलिए इसका तर्जमा क्या करेंगे, आता रहा है। एक नौजवान जोड़ा जो कि उसके पीछे से चलता आ रहा था, passed by, उसके पास से गुजरा। एक नौजवान जोड़ा जो कि उसके पीछे से चलता आ रहा था, उसके पास से गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उसके सामने हो गया, और उसके सामने हो गया, पास्ट बाय का मतलब पास से गुजरना, और वेंट अहेड ऑफ, उसके सामने हो गया, जो के उसके पीछे से चलता आ रहा था, उसके पास से गुजरा, और उसके सामने हो गया। इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो कि उसके पीछे से चलता आ रहा था, पास से गुजरा, और उसके सामने हो गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे जो आपके सामने, who had been walking behind, ये आपकी जो क्लॉज है, ये कपल के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो इसका तर्जमा उसके साथ करेंगे, जो के साथ करेंगे, जब आपके साथ एडजेक्टिव क्लॉज, who, which, that वगैरह प्रोनाउन इस्तेमाल हो, तो उसको जो के साथ तर्जमा, जो, जिसने, जिन्होंने, के साथ करेंगे। मेन सब्जेक्ट आपका यंग कपल है, और इसके साथ वर्ब है पास्ट बाय एंड वेंट। Youth was tall, नौजवान या लड़का लंबा था, and was wearing, और पहने हुए था, black cadri trouser, काले रंगत का कोटराए का पजामा, and leather jacket, और चमड़े की जैकेट with the zip, जंजीर वाली। नौजवान दराज कद था, और दो चीजें हैं, स्याह रंगत का कोटराए का पजामा, और क्या होगा, जंजीर वाली या जिप वाली चमड़े की जैकेट पहने हुए था।
अब ये दो चीजें हैं, अब विद इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है ब्लैक लेदर जैकेट के, तो इसके साथ हम उसका तर्जमा करेंगे। नौजवान दराज कद था, एक क्लॉज यहां तक होगी, अगली क्लॉज का अलग से तर्जमा करेंगे। नौजवान दराज कद था और स्याह रंग का कॉटरे का पजामा और जंजीर वाली चमड़े की जैकेट पहने हुए था। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार, लड़की ने पहने हुआ था फ्लॉपी शलवार, डेली डाली लूज शलवार, शलवार ऑफ व्हाइट सॉटन, सफेद कॉटन की, एंड ग्रीन कोट और सबज कोट। लड़की ने, अब ये सारी चीजें इकट्ठी हैं, अब ये है एक दो चीजें पहनी हुई थी, शलवार है और दूसरी ग्रीन कोट है। अब शलवार के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कौन, वो इजाफा कर रहा है यहाँ पे ऑफ व्हाइट सॉटन, तो इसके साथ तर्जमा करेंगे क्या बना, लड़की ने सफेद कॉटन की एक डीली डाली शलवार और सबज कोट पहना हुआ, लड़की ने सफेद कॉटन की एक डीली डाली शलवार और सबज कोट पहने हुए था। अब ये देखिए बड़ा सीक्वेंशियल है, जो भी एडजेक्टिव फ्रेज होगी उस नाउन के मीनिंग में उससे पहले तर्जमा करें। लड़की ने सफेद कॉटन की एक डीली डाली शलवार और एक सबज कोट पहना हुआ था। शी वाज शॉर्ट एंड बल्कि, वो पस्त कद की और मोटी ताजी थी। बल्कि से मुराद क्या होता है, मोटी ताजी, हैवी। वो पस्त कद की और मोटी ताजी थे। यंग मैन वॉज डिलाइटेड, नौजवान खुश हुआ, टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, इस मंजर को देखकर, नौजवान इस मंजर को देखकर खुश था। वॉज डिलाइट, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, गे, और स्पेक्टिकल का मतलब साइट या सीन। नौजवान, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया आपने, नौजवान, अब ये लास्ट पे टू वॉच दिस स्पेक्टिकल, इस मंजर को देखकर खुश हो गया। Was delighted, last पे हमने verb का तर्जमा करते हैं। तर्तीब हमने कहा था हमेशा उर्दू में क्या रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का तर्जमा करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का तर्जमा करना है, और लास्ट पे वर्ब का तर्जमा करना है। ये तमाम उर्दू सेंटेंसेस में हम ऐसे ही तर्जमा करेंगे, तो यहाँ पे भी उसी सीक्वेंस को सामने रखते हुए, नौजवान ये नजारा देखकर खुश हो गया, एंड कैप्ट ऑन, और चलता रहा, कैप्ट ऑन का मतलब कंटिन्यू, वॉकिंग बिहाइंड देम, उनके पीछे पीछे, और उनके पीछे पीछे चलता रहा। कैप्ट ऑन का मतलब कंटिन्यू, और कैप्ट ऑन के बाद हम जेरंड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई भी टू के अलावा प्रेपोजिशन उसके साथ हम। अब जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिएगा, नाउ जब इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो नाउ के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नाउ ही वॉज होगा या ही इज टेकिंग आवर क्लास होगा, ही इज टेकिंग होगा, क्योंकि नाउ इंडिकेट करता है वो इस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को, तो जब प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करे तो वहां पे हमने प्रेजेंट टेंस लगाना है। और भी इंडिकेटिंग वर्ड्स हो सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, हमने पढ़ा था कौन कौन से वर्ड है, जैसे दिस है, दीज है, ये भी जो है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे दीज डेज, अगर आज है तो ही इज या ही वॉज हेल्पिंग मी, जाहिर है यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, ही इज आ जाएगा, क्योंकि ये अब की बात हो रही है। अगली बात, दूसरा हमने देखा जब हमने नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करना है तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट, नाइदर नॉर है, आइदर और है, इसी तरह से बोथ के साथ एंड है, उसके बाद नॉट ओनली बट है या बट आल्सो है, दोनों में से कोई भी लग सकता है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट है, तो इनके साथ जो एक के साथ वर्ड होगा वही अगले के साथ होगा, सेम कैटेगरी ऑफ वर्ड रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि ही इज नाइदर हैप्पीनेस नॉर क्या होगा, हैप्पी एंड सैड। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कौन कर रहा है, वो है
neither or nor. अब जो वर्ड अटैच हो रहे हैं वो कौन कौन से, एक हैप्पीनेस है और एक सैड है. अब हैप्पीनेस जो है वो ये नाउन होता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, और क्योंकि सैड भी एडजेक्टिव है, फिर मोर ओवर इज के साथ लग रहे हैं, इज के साथ एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होना चाहिए. तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जब भी हमने ये जितने भी हम इस्तेमाल करेंगे सारे के सारे वर्ड, इनके साथ हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगाएंगे. मसलन क्या होगा, ही हैज डन इट नॉट ओनली कीनली बट आल्सो हैप्पी लगाएंगे या हैप्पीली लगाएंगे. क्या होगा, हैप्पीली होगा बट आल्सो हैप्पी या हैप्पीली होगा. तो इस तरह से हमने हैप्पीली लगाएंगे. क्यों ये हैप्पीली लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो नॉट ओनली बट आल्सो ये दोनों इसको मिला रहे हैं, और पहला आपका एडवर्ब है तो दूसरा भी आपका एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि दोनों डन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं. तो ये याद रखना है, ये इस्तेमाल होते हैं. पिक आउट और पिक, आपका मैंने फर्क बता दिया. पास बाय, पास से गुजरना. पास आउट कंप्लीट करना होता है, और पास अवे फौत हो जाना होता है. और स्पेक्टिकल के साथ ये मंजर है, इसके साथ एस लगा देंगे तो ये चश्मा बन जाएगा, ऐनक जिसको हम कहते हैं. जी बच्चों अब जरा देखिएगा जी, ही वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल. नाउ ही इज वर्किंग हो जाएगा. शाबाश. नेक्स्ट वाला, ही इज बिल्डिंग होगा. हैज बीन भी नहीं होगा, ही इज बिल्डिंग होगा. दीस डेज है ना, तो दीस डेज क्या इंडिकेट करेगा, अब हो रहा है काम. जी नेक्स्ट वाला, नॉर बैशफुल. बैशफुल हो जाएगा, बैशफुलनेस नहीं होगा. जी बच्चों, अपार्ट होगा. अपार्ट का मतलब अलग अलग कर देना, यानी उसमें से नुक्स ढूंढना, उसको हम कहते हैं अपार्ट. और पिक्ड आउट या पिक्ड अप? पिक्ड आउट का मतलब समझना या आइडिया को समझना होता है. So far the young man had found little. अभी तक नौजवान को बहुत थोड़ी सी चीजें मिली थी. To interest him, उसकी दिलचस्पी का. Among the persons, उन लोगों में he had observed जो उसने देखी थी that evening उस शाम. अभी तक नौजवान को क्या होगा, उन लोगों में, अब लास्ट पे चले जाना इस क्लॉज के लास्ट पे, उन लोगों में है, लेकिन उसके साथ उसने ये क्लॉज इजाफा कर रही है, तो उसका तर्जमा उसके साथ करेंगे. क्या अभी तक उसे उन लोगों में जो उसने उस शाम को देखे थे दिलचस्पी की बहुत थोड़ी चीज ही उनमें मिली थी. अभी तक नौजवान को जिन लोगों को उसने उस शाम को देखा था उनमें दिलचस्पी का बहुत कम चीज मिली थी. He had been perhaps, वो शायद रहा था, too deeply engrossed, बहुत ज्यादा खोया हुआ. engrossed का मतलब lost होता है. In himself, अपने आप में. वो शायद अपने आप में बहुत ज्यादा खोया हुआ था. टू हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, यानी कोई नेगेटिव मीनिंग दे रहा हो तो फिर हम टू लगाते हैं. वो शायद, अब लास्ट पे चले जाना, इन हिमसेल्फ अपने आप में बहुत ज्यादा खोया हुआ था. वो शायद अपने आप में बहुत ज्यादा खोया हुआ था. ही फॉलोड देम क्लोजली, वो उनके करीब करीब से चल उन करीब से उनके पीछे चलता रहा. होपिंग, उम्मीद रखते हुए, आप पे होपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टू गेट अ ग्लिम्स, उनके चेहरे को एक झलक देखने के लिए. एंड टू हेयर, और उनकी बातों को सुनने के लिए. तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटिव बनेगा. उसने या वो क्या होगा, उनके चेहरे की एक झलक देखने और उनकी गुफ्तगू को मजीद सुनने की उम्मीद रखते हुए उनके करीब करीब या करीब से उनका पीछा किया. उसने, अब आपके पास होपिंग वाली फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन होपिंग के साथ आगे दो इन्फिनिटिव लगे हुए हैं. एक इन्फिनिटिव है, कौन सा है, वो टू गेट है, और एक इन्फिनिटिव है आपका टू हेयर है.
तो क्या होगा, उसने अब क्या होगा, उनके चेहरों की एक झलक देखने, टू गेट अ ग्लिम्स, उनके चेहरों की एक झलक देखने और उनकी गुफ्तगू को मजीद सुनने की उम्मीद लिए हुए, उनकी गुफ्तगू को मजीद सुनने की उम्मीद लिए हुए करीब से उनका पीछा किया, करीब से उनका पीछा किया। By now they had reached, अब तक वो बिग क्रॉस बड़े चौराहे पे पहुंच चुके थे, नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस के पास। अब तक वो अब लास्ट पे चले जाना है, क्या होगा, जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे। अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के करीब बड़े चौराहे के पास पहुंच चुके थे। बाय नाउ जब आ गया तो यहाँ पे हैव हैज या हैज रीच्ड होना चाहिए, उसके साथ हम क्या है वो यूज करेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट लग सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट लग सकता है, क्योंकि नाउ आ गया। द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका, वो जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका, एंड आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल, और माल रोड को पार करने के बाद हेडेड टूवर्ड्स मैक्लोड रोड, मैक्लोड रोड की तरफ चल पड़ा। जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका और फिर माल रोड को पार करने के बाद मैक्लोड रोड की तरफ चल पड़ा। व्हेन द कपल हैड वॉक्ड, जब जोड़ा अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, जोड़ा वॉक्ड सम 100 yards अहेड ऑफ हिम, चल पड़ा सम 100 yards, चंद सौ कदम अहेड ऑफ हिम उसके सामने। अब क्या होगा, जब जोड़ा, अब लास्ट पे चले जाए, अहेड ऑफ हिम उसके सामने कुछ सौ कदम चल पड़ा या चला गया, जब वो जोड़ा उसके सामने चंद सौ कदम चला गया, ही हरीडली मूव्ड आफ्टर हिम, वो तेजी से आफ्टर देम उनके पीछे चल पड़ा, वो तेजी से पहले सब्जेक्ट आ गया, वो तेजी से उनके पीछे चल पड़ा, मूव्ड यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। Hardly had he reached, अभी वो मुश्किल पहुंचा ही था, हाफ वे क्रॉस, आधा रास्ता ही पार किया था, अभी उसने आधी सड़क ही पार की थी, अभी उसने मुश्किल से आधी सड़क, हार्डली का एक्सप्रेशन हार्डली हैड और वेन की कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल करते हैं, अभी मुश्किल उसने आधी सड़क ही पार की थी कि जब ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से भरा हुआ ट्रक, केम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आया, लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंके की तरह, और जब ईंटों से भरा हुआ ट्रक हवा के झोंके की मानिंद पीछे से आया, एंड क्रशिंग हिम डाउन, और उसे कुचलता हुआ, स्पीडेड ऑफ टुवर्ड्स मैक्लोड रोड की तरफ तेजी से भाग गया, अभी वो मुश्किल उसने आधी सड़क ही पार की थी, अभी मुश्किल उसने सब्जेक्ट आ गया, और हाफ द रोड, अभी उसने आधी सड़क ही पार की थी कि जब, अब यहाँ पे ट्रक के मीनिंग मजाफा करा फुल ऑफ ब्रिक्स, तो क्या बनेगा, ईंटों से भरा हुआ ट्रक पीछे से, अब क्या होगा, लास्ट पे चले जाए, अ गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंके की मानिंद आया, एंड क्रशिंग हिम, क्रशिंग फिर पार्टिसिपल आ गया, और उसे कुचलते हुए अब लास्ट पे चले जाए, मैक्लोड रोड की तरफ भाग गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक ड्राइवर ने चीख की आवाज सुनी थी, एंड हैड एक्चुअली, ट्रक ड्राइवर ने चीख की आवाज सुनी थी, और दर हकीकत फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए रफ्तार कम की थी, स्लो डाउन का मतलब होता है रफ्तार कम कर, बट रियलाइजिंग दैट, लेकिन ये सोचते हुए समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, कोई क्या होगा, अंदोनाक वाक्या या अलमनाक वाक्या हो चुका है, लेकिन ये महसूस करते हुए कि कोई क्या होगा, वो कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसे समझ लें, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, had taken the advantage of darkness, उसने अंधेरे का फायदा उठाया था, and had sped away into light night, और रात की तारीकी में भाग गया था, और ये लेकिन ये सोचते हुए कि कोई खौफनाक हादसा हो गया है, उसने अंधेरे का फायदा उठा लिया था और रात की तारीकी में भाग गया था। सो फार जब आ जाए,
सो फार के बाद हमने परफेक्ट टेंस लगाना है क्योंकि अभी तक को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके साथ हमने परफेक्ट टेंस लगाना है। और टू डीपली ग्रॉस हम यूज करते हैं जब नेगेटिव सिचुएशन हो, जैसे हम कोई पॉजिटिव मीनिंग में हम टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ही इज टू इंटेलिजेंट या ही इज टू ब्यूटीफुल, वो इतना ब्यूटीफुल है, ये नहीं होगा। ही इज वेरी ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में ब्यूटीफुल जो अनप्लेजेंट हो तब हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं टू। बच्चों लास्ट सेंटेंस देखिएगा, had reached होगा, so far आ गया तो had reached होगा। the situation हो गया, क्योंकि ये आगे specific होगी which was है, dangerous है। had reached, has reached दोनों लगाए जा सकते। very happy yeah. होगा, too happy नहीं होगा जी। शाबाश, अब thinking of plans बेटा success कर रही है या ही कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। By now they will win the match, will have won the match होगा। और शाबाश, next वाला sentence Hardly had he run. नहीं, had पहले आएगा, so expression समझना, ये देखें, highlight किया हुआ मैंने, hardly had और उसके बाद when या before इस्तेमाल करते हैं expression में। जी, ये तो था जी हमारा ये टेक्स्ट। आगे सवालात पे हम, एक ही सवाल है जी, इस पे देखिएगा, हमने देखा यहाँ पे एमिएबल और एमिकेबल। एमिएबल का मतलब मिलनसाज होता है और एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली हम कहते हैं। आइदर द मदर आर द आइदर द फादर द मदर, यानी सेम है। अब आइदर अदील और नॉट अली क्या होना चाहिए, इस होगा। अब आइदर सर्वेंट्स आर गर्ल्स आर गोइंग टू प्रिपेयर डिनर टुनाइट। Neither the teacher nor the students क्या होगा, were हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे second subject होगा। Either sad or क्या हो जाएगा, bored, क्योंकि sad adjective है तो boredom noun है तो ये भी adjective हो जाएगा। और trembling due to either fear or explosion, ये सही है, ये भी fear है और explosion है। Hardly had I reached the station when the train came. Scarcely had I, क्या होना चाहिए, had के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सॉल्व्ड हो जाएगा। Scarcely had I reached the station when the train क्या होगा, steamed out। उसके बाद hardly had I होगा closed my eyes then the telephone rang, और then नहीं होगा, when the telephone rang इस्तेमाल करेंगे। तो ये इन दोनों के रिलेटेड जो है वो मिस्टेक्स हैं। अब जरा देखिएगा, दी ड्राइवर क्यों भाग गया, द ड्राइवर स्पीड की बजाय क्या होगा, स्पेड अवे होगा। क्या बनेगा सेंटेंस, द ड्राइवर स्पेड अवे बिकॉज उसने क्या सुन लिया था, तो क्या होगा, ही हर्ड या उससे पहले सुन लिया था, जब उसने भागा, भागने से पहले सुन लिया था, तो ये टेंस परफेक्ट में हो जाएगा, ही हैड हर्ड अ श्रीक। रियलाइज उस वक्त किया तो क्या बन जाएगा, ही रियलाइज दैट समथिंग सीरियस हैज होगा, हैड होगा, हैड हैपेंड होगा, हैड हैपेंड। एक की बजाय क्या होगा, ही टुक द एडवांटेज एंड टुक द एडवांटेज ऑफ डार्कनेस एंड वेंट अवे, और उसके बाद वो भाग गया। लास्ट सेगमेंट है जी करेक्शन का, कमान जी आपने करना है, कौन सा सही होगा, सतलुज फ्लो नियर, सतलुज होगा, दरियाओं के साथ दा लगाना है, वी लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होगा, द एलिमेंसी,
अरेबियन सी, इतने समुद्रों के साथ दा लगाना है, ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउनेस के साथ दा नहीं लगाना। उसके बाद द ड्रॉन इन इंग्लिश, द डॉन हो गया, क्यों द डॉन, जी द डॉन हो गया क्योंकि ये अखबार का नाम है, उसके साथ लगाना है। द पीपल ऑफ आवर सिटी, क्योंकि पीपल स्पेसिफिक है, हमारे शहर के हैं। This is the notebook. The notebook of English. हो गया। The notebook of English. आसनेक इन द ग्रास। आसनेक हो गया। मुल्तान इज़ अ हार्ट सिटी। मुल्तान इज़ अ हार्ट सिटी। और स्काई के साथ। द स्काई इज़ ओवर सर। This was all for today. If you have any question, you can ask.